हाँ कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ हो गया होगा। क्या कह रहा है आपका, सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एनुअली। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। इसमें आपका जो दिया हुआ है पी आर टी कुछ नहीं दिया है, तो पी मान लीजिए पी ही है या पी इजकल टू पी वन। अच्छा टाइम 2 ईयर्स और रेट कितना हो गया ये भी नहीं पता, आर ही कर देते हैं। अभी जो दिया हुआ है कि इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना है, 2 to 5, 2 to 5। तो 2 सक्सेसिव ईयर का था, तो 2 to 5 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में, आफ्टर सेकेंड ईयर में आप उसका था 2 to 4 सेकेंड ईयर में 2 to 4। तो 2 सक्सेसिव ईयर की जब बात आएगी तो 2 सक्सेसिव ईयर में जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 2 सक्सेसिव ईयर में, तो पहला साल का माइनस दूसरा साल कर देते हैं, पहला साल के लिए क्या निकल जाएगा फॉर फर्स्ट ईयर के लिए टी, फॉर फर्स्ट ईयर एस आई बराबर पी आर टी बाय 100। एस आई निकल गया 2 to 5 बराबर पी, पी को पी वन लिखते हैं, आर टी तो एक ही होगा 100, यानी पी वन आर इज इक्वल टू 2 to 5 00। ये वाला निकल गया फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर में पी वन प्लस जो इंटरेस्ट पहला साल का निकला था 2 to 5, ठीक है, पहला साल के लास्ट में जो अमाउंट निकला। अभी हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड सक्सेसिव ईयर के लिए निकलेगा, दिस इज द पी टू इंटू आर इंटू एक साल बटे 100, ये कितना है 2 to 4 पी टू हो गया पी वन प्लस 2 to 5 टाइम 1, यहाँ आर हो गया 100, दर गुणा करेंगे तो 2 to 4 फिर 00 बराबर पी वन इंटू आर प्लस 2 to 5 आर, तो 2 to 4 00 और पी वन इंटू आर, पी वन इंटू आर से तो कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं था, 2 to 4 2 to 4 फिर 00 आप माइनस ये गुना करके हमारा आ गया 2 to 5 00 2 to 5 00 बराबर 2 to 5 आर। तो ये दोनों का 0 0 यहाँ बच गया, अच्छा दिस इज द अगर हम माइनस कर दें तो 2 4 1 2 3 और यहाँ पे 2 to 5 00 0 0 5 3 में 2 गया 1 1500 बाय ये आ गया इजिकल टू 2 to 5 आर, तो आर इजिकल टू 1500 बाय 2 to 5 9 जा 6 60 3 3 जा 20 तो आर इज इक्वल टू 6 6 3 2/3% होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, चलिए इसके बाद और कौन सा नहीं बना, अच्छा इसका दूसरा था द ओरिजिनल सम, इसी का सेकेंड ओरिजिनल सम, आपको आर मिल गया ना कोई दिक्कत, आर जब मिल गया तब हमको क्या निकालना है पी वन, ओरिजिनल सम पी वन था और यहाँ पे आपको क्या निकल गया पी वन इंटू आर इज इक्वल टू, तो पी वन बराबर क्या हो जाएगा 2 to 5 00 बाय आर, आर का वैल्यू तो आ गया ना 20/3 ये 6 2/3 ये आर के जगह पुट कर दीजिए, पी वन बराबर 2 to 5 00 20/3 ऊपर 3 हो जाएगा, ये कट गया 2 से 1 1 2 5 और मल्टीप्लाई 3 3 5 जा 15 7 3 3 3 3 7 5
इसी का थर्ड है इंटरेस्ट अर्नड इन द थर्ड ईयर। अब तीसरा साल में कितना इंटरेस्ट होगा, तो रेट तो मिल गया, तीसरा साल का अमाउंट निकाल देंगे। तो अमाउंट के लिए अगर हम अलग से करेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगा थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट था, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल यहाँ पी टू निकाल देंगे, अब पी टू में ये वाला जोड़ देंगे 240 जो था, वही है ना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखते रहिए, और हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।